नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा बिहाई, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग शुरू करेगा नियमित फॉलो अप प्रोग्राम। दिवाली में इन जिलों में हो सकती है बारिश। राजस्व विभाग में 744 पदों पर होगी बहाली। इन चार जिलों में खुलेगा CNG फिलिंग स्टेशन। T20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर सौरव गांगुली का प्रेडिक्शन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षा विभाग शुरू करेगा नियमित फॉलो अप प्रोग्राम। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी IIT पटना एवं बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल पटना की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल ऑफ मैथमेटिकल फाउंडेशन के तहत 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य को बीते दिन शनिवार को समाप्त हो गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को बुलाया गया था। इन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही बिहार में बच्चे के ड्रॉपआउट को रोकने के लिए नियमित फॉलो अप प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा है कि यहां अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूल के हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अब सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में मैथमेटिकल सोसाइटी को भी सम्मानित किया गया। रजिस्ट्री ऑफिस में बदलेगी व्यवस्था। सरकार के द्वारा रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन की खरीद बिक्री करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्री ऑफिस में POS मशीन व QR कोड लगाने की तैयारी की जा रही है। इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव व एक्सिस बैंक को दी गई है। ऐसी उम्मीद है कि इसकी शुरुआत छठ पूजा के बाद कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया की शुरुआत होने के बाद वैसे लोग जो मॉडल डीड से रजिस्ट्री करवाते हैं उन्हें बहुत सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही ऑफिस में पेयजल की भी व्यवस्था कर दी गई है और साथ ही महिलाओं को सुविधा देने के लिए 3 अलग अलग शौचालय का भी निर्माण करवाया गया है। IIT पटना ने शुरू किए 3 नए ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स। IIT पटना के द्वारा 3 नए ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की गई है, जिनमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डाटा साइंस और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट शामिल है। इन सभी कोर्स की शुरुआत IIT पटना ने सतत शिक्षा कार्यक्रम और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत की है। यह कोर्स आमतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो CEP QRP स्टूडेंट्स है और साथ ही कामकाजी पेशेवर भी है। ये सभी लोग अपने ज्ञान के आधार को बढ़ाने और खुद के कौशल में और भी सुधार करने के लिए ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा यह देश के उद्योग पेशेवरों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किया गया है। इन चार जिलों में खुलेगा CNG फिलिंग स्टेशन। बिहार में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच राजधानी पटना के अलावा भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और अरवल जिले में भी CNG फिलिंग स्टेशन खोला जा रहा है। बता दें कि सभी CNG स्टेशन मार्च तक खोल लिए जाएंगे। इसके अलावा अब आरा के 6000 लोगों के घरों तक पाइपलाइन से गैस को पहुंचाया जाएगा। इस बात की जानकारी बीते दिन IOCL कंपनी के महाप्रबंधन ग्राहक मिलन समारोह में दी गई है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में यह भी आश्वासन दिया गया कि जल्द ही पुराने बसों में भी CNG को लगाने की व्यवस्था की जाएगी। धनतेरस पर पटना में जमकर हुई धन वर्षा। बिहार की राजधानी पटना में धनतेरस के मौके पर जमकर धन की वर्षा हुई। बता दें कि इस साल मार्केट में ज्वेलरी सहित अन्य वस्तुओं की खरीदारी में पिछले साल के मुकाबले 20-25% अधिक बढ़ोतरी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार धनतेरस के मौके पर आभूषणों और सिक्कों की खरीदारी में 390 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार हो गया है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी जमकर धन की वर्षा हुई। इस दौरान पटना और इसके आसपास के इलाके में एक ही दिन में 2250 से अधिक कार और 6700 से ज्यादा बाइक की डिलीवरी की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि धनतेरस के मौके पर 302 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। वहीं रियल एस्टेट में भी प्रॉपर्टी का आंकड़ा लगभग 125 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। दीपावली छठ में मुंबई से घर आने वालों को राहत। दीपावली छठ महापर्व में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दरभंगा मुंबई के बीच उड़ानों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। अब इस रूट में 3 विमानों की आवाजाही होगी, जिसकी व्यवस्था 20 से 29 अक्टूबर के बीच की गई है। इस विमान की शुरुआत होने के बाद मुंबई से आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। बता दें कि दीपावली और छठ को देखते हुए विमानन कंपनी के द्वारा DGCA से अतिरिक्त विमानों के संचालन की अनुमति मांगी गई थी, जिसके बाद DGCA ने 20 अक्टूबर से विमान की उड़ान को स्वीकृति दे दी थी। जानकारी के लिए बता दें कि 21, 22, 23, 28 और 29 अक्टूबर की तिथि में मुंबई रूट पर 3-3 विमानों का टिकट बुक हो रहा है। राजस्व विभाग में 744
744 पदों पर होगी बहाली। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 744 पदों पर नियोजन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 16 नवंबर तक ही निर्धारित की गई है। इसके बाद 4 दिनों के लिए अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार इन पदों के लिए चयन की प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और न्यूनतम योग्यता स्नातक होना चाहिए। बताते चले कि आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें नए अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। पटना में घट रहा गंगा का जल स्तर। बिहार की राजधानी पटना के घाटों के पानी में कमी आ रही है, जिसके बाद सभी घाटों पर छठ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि पटना के जिन घाटों में पानी की कमी हो रही है उनमें बरहड़वा घाट, पटना लॉ कॉलेज घाट, रानी घाट और बीएन राज घाट शामिल है। इन सभी घाटों पर पानी कम होने के बाद 8 से 15 सीढ़ियां दिखने लगी है, लेकिन कई जगहों की सीढ़ियों पर कीचड़ और मिट्टी जमा है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा कीचड़ों को साफ करने का काम किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी सभी घाटों पर लाइट का काम किया जा रहा है और अगले 2-3 दिन में वहां वॉच टावर बनाया जाएगा। इसके साथ ही सभी घाटों पर चेंजिंग रूम, कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की जा रही है और साथ ही कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। दिवाली में इन जिलों में हो सकती है बारिश। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में भी दीपावली के मौके पर बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिवाली और काली पूजा के दिन बिहार में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी होने वाली है, जिस वजह से 2 अक्टूबर और 24 अक्टूबर तक डीप डिप्रेशन और चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और उसके बाद 25 अक्टूबर तक यह चक्रवात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से टकरा जाएगा। इस चक्रवात का असर बिहार के कई जिलों पर पड़ सकता है, जिनमें बिहार का किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर आदि जिले शामिल है। बता दें कि बिहार में बीते 24 घंटे में राज्य के उत्तर भाग के 2 जगहों पर बारिश हुई है, जिसका असर यहां के तापमान पर पड़ रहा है। गंगा में पलटी नाव, 11 लापता। बिहार की राजधानी पटना के गंगा में लोगों से भरी नाव पलट गई। बता दें कि यह खबर दीघा थाना क्षेत्र की है, जहां सेपी सेतु पुल के 12 नंबर पिलर से बालू लोड नाव टकरा जाने के कारण गंगा में डूब गई। मिली जानकारी के अनुसार उस नाव पर कुल 13 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की जान वहां मौजूद छठ घाटों की तैयारी में लगे लोगों के द्वारा स्टीमर और लाइफ जैकेट के सहारे से बचा ली गई है और बाकी बचे लोग फिलहाल लापता है। भागलपुर एयरपोर्ट के बाउंड्री निर्माण पर सवाल। बीते दिन शनिवार को भागलपुर अपने आवास पहुंचे गोड्डा के भाजपा सांसद ने भागलपुर को लेकर कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भागलपुर के विकास को लेकर उदासीन है। अब तक राज्य सरकार विक्रमशिला वीवी, केंद्रीय वीवी के लिए जमीन तक फाइनल नहीं कर पाई है और न ही टेक्सटाइल पार्क को लेकर कुछ किया जा रहा है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार बटेश्वर स्थान से पिरपैंती तक कटाव को रोकने के लिए राशि देने के लिए तैयार है, तो वहीं राज्य सरकार उदासीन बैठी है। उन्होंने कहा कि भागलपुर हवाई अड्डा की चारदीवारी सहित कई काम के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च करने की बात आ रही है, लेकिन जब यहां से हवाई सेवा की कोई बात ही नहीं हो रही है तो यह राशि खर्च करने का क्या फायदा है, यह सब सिर्फ पैसे की बर्बादी है। सिंगापुर से वापस आ रहे लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांट सहित दूसरी बीमारियों का इलाज कराने के लिए सिंगापुर गए लालू प्रसाद यादव के पास आने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि दीपावली के एक दिन बाद यानी कि 25 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव पटना लौट सकते हैं। हालांकि अब तक उनका इलाज पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इलाज के लिए सिंगापुर जाने का समय 25 अक्टूबर तक ही दिया गया था, जिस वजह से उन्हें वापस पटना आना पड़ रहा है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि लालू यादव जल्द ही इलाज को लेकर फिर से लंबी अवधि के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। शेखपुरा जिला प्रशासन ने 11 किशोरों को कराया मुक्त। 11 किशोर के बंधक मामले को लेकर शेखपुरा जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें मुक्त करा लिया गया है। बता दें कि इन सभी बंधकों को घर वापसी को लेकर कार्रवाई चल रही है। इस मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के पलामू जिले के एक ठेकेदार द्वारा 11 किशोरों को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली के बहाने जम्मू कश्मीर ले जाया गया, जबकि घर भेजने जाने के नाम पर सभी को बंधक बना लिया गया और उनके परिवार वालों से मोटी रकम की मांग की गई। इसके बाद इस मामले के बारे में शेखपुरा प्रशासन के द्वारा जम्मू कश्मीर के जिला स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी गई और फिर उनकी मदद से उन सभी किशोरों को मुक्त कराया गया।
T20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर सौरव गांगुली का प्रेडिक्शन। T20 वर्ल्ड कप 2022 में सेमीफाइनल में जाने वाले चार टीम कौन सी होंगे, उसे लेकर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपना प्रेडिक्शन दिया है। सौरव गांगुली ने अपने इस प्रेडिक्शन में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को जगह नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि जो पहले हो चुका है उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। टीम इंडिया खिताब जीतने का प्रबल दावेदार है। वर्ल्ड कप में जंग बिल्कुल अलग होती है। जो भी टीम उन 2 से 3 सप्ताह में अच्छा क्रिकेट खेलती है वह जीतती है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी टीम अच्छी है। उन्होंने टॉप 4 टीमों में भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को चुना है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक आज पेट्रोल के दाम 36 पैसे और डीजल के दाम 34 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में आज पेट्रोल 109.23 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.88 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.4 रुपए प्रति लीटर है। यहां पेट्रोल के दाम में 35 पैसे और डीजल के दाम में 32 पैसे की कमी आई है। वहीं मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 108.2 रुपए और डीजल की कीमत 94.75 रुपए, पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.71 और डीजल की कीमत 95.39 रुपए, भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.68 रुपए और डीजल की कीमत 95.36 रुपए, गया में 108.85 रुपए और डीजल की कीमत 95.55 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू कुमार, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, रविशंकर, संजय शर्मा, सदुल्ला पलवी, भान प्रकाश मौर्य, राकेश शर्मा, उमेश ऋषिदेव, सिफोन कुमार, कविता कुमारी, राजकुमार प्रसाद, कुलदीप कुमार, पवन सिंह, मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सौरव गांगुली ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने जिन 4 टीमों के नाम लिए हैं वह कितना सही है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।